नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो अभी जगदीशपुर के रामलीला मैदान से यहाँ पे तैयारी चल रही है, 108 कुंडीय हवन कुंड बनाया जा रहा है और आपके जगदीशपुर में होने वाली भव्य प्रज्ञा पुराण कथा जो शांति कुंज हरिद्वार की टोली द्वारा होगी और उसके लिए बहुत सारी जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। और हमारे जगदीशपुर में 15 तारीख सुबह से शाम तक कलश यात्रा का आयोजन होगा। उसके बाद शांति कुंज हरिद्वार से प्रज्ञा पुराण कथा के कथावाचक की जो टोली है वो आएगी, उनका शाम को स्वागत होगा भव्य। उसके बाद कथा शुरू होगी और हर रोज़ यहाँ पे हवन कुंड हवन होगी और आए दिन हम जगदीशपुर की हर एक की जानकारी आप लोग तक पहुँचाते हैं और दिखाते हैं। ऐसे में जगदीशपुर के रामलीला मैदान में भी हवन कुंड की तैयारी चल रही है और आने वाले सभी जो इसके कार्यक्रम के हिस्से होंगे वो आप लोग को दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पे एक भैया जी हैं, उनसे हम चलते सारी जानकारी लेते हैं, जो हमें अधूरी जानकारी वो पूरी आपको जानकारी दिलाते हैं। उससे पहले आपको दिखाएंगे रामलीला मैदान में पूरी तैयारी चल रही है हवन कुंड की, तो कहीं साफ सफाई, कहीं पे पिछले कुंड वगैरह बनाया जा रहा है और हरिद्वार के शांति कुंज से जो टोली आएगी उन्हीं टोली से जुड़े हुए जगदीशपुर के गायत्री परिवार शाखा के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जानेंगे। तो फटाफट चलते हैं, पहले जानकारी लेते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैं पहुँच चुका हूँ, जो 108 कुंडी हवन कुंड की तैयारी चल रही है, यहाँ पे सभी लोग कार्य कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कुंड को पूरा तैयार कर रही हैं सभी माताएं यहाँ पे और साथ में सभी। कैसे हो माता जी, ठीक हो? बढ़िया चल रहा है, चलो बढ़िया है, तैयारी चलती रहे। तो कुछ इस तरह से देखो 108 कुंडीय हवन कुंड की तैयारी में सभी लोग लगे हैं और भैया लोग भी ठीक हो भैया जी? ये छोटू भी हैं? हाँ भैया ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, चलो ठीक है, लगे रहो। तो यहाँ पे चारों तरफ देखिए 108 कुंड जो हवन का कुंड बनेगा वो बन रहा है पूरी तरह से और यहाँ पे सभी लोग मार्किंग कर रहे हैं और आगे कैसे कैसे मतलब क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पे हम विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, उससे पहले एक बार आप लोग को दिखा देते हैं कि कैसे 108 कुंडी हवन कुंड का निर्माण हो रहा है और आगामी 15 मार्च को यहाँ पे कलश यात्रा का शोभा यात्रा निकाला जाएगा। तो दोस्तों अभी हम गायत्री परिवार शाखा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी बड़ों का प्रणाम करते हैं। प्रणाम अक्सर, जय श्री राम, जय सिया राम, जय माता दी। तो क्या कार्यक्रम है, कब से शुरुआत है ये? अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के तत्वावधान में जी 15 तारीख से 19 तारीख तक जी राष्ट्र जागरण 108 कुंडीय जी गायत्री महायज्ञ की तैयारियां हो रही है जी। गौशाला का निर्माण हो रहा है जी जी। 15 तारीख को हम लोगों की यहाँ से कलश यात्रा निकले, 15 तारीख को कलश यात्रा, यहाँ से हजारों की संख्या में माता बहने जी कलश का पूजन करके यहाँ से वाहनों के द्वारा जी सिद्धादास बाबा तपस्थली हर गाँव में पहुँचेंगे जी, वहाँ पर जल लेकर के फिर वाहनों के द्वारा ही वहाँ पर यज्ञशाला में आ जाएंगी जी, यहाँ उनकी आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। इसके बाद हमारी टोली हरिद्वार की आ रही है 5 लोगों की जी, जो सारे कार्यक्रम का संचालन करेगी जी। तो जिसमें 15 की शाम को टोली का स्वागत होगा और कथा की शुरुआत हो जाएगी। कथा कौन सी है, क्या कथा? पुराण कथा, इस युग की समस्याओं का समाधान हमारे आचार्य जी ने किया है जी, और इन कथाओं के माध्यम से जो आज की समस्याएं हैं जी, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो जी, उसका समाधान उन्होंने दिया है, वो कथा संगीत में हो। तो ये कथा कब तक चलेगी? कथा प्रतिदिन 15 तारीख से शुरुआत होगी शाम को। कितने समय से? कुछ शाम को 6 बजे, शाम 6 से, दिन में 2 से 5 है, रात में 7 से 10 जी। और कितने दिन तक चलेगा कार्यक्रम? 18 तारीख की शाम तक चलेगी कथा जी, 18 को विराट दीप महायज्ञ होगा जी, और 19 तारीख को जो 108 कुंड की यज्ञशाला है जी, ये पूर्णाहुति करके भोजन प्रसाद करके समापन हो जाएगा। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये रहेगी जी, देव पूजन होगा 16 तारीख को, जिसमें 108 जोड़े यज्ञ में देवताओं के आवाहन के क्रम में बैठेंगे जी, और उसके साथ प्रतिदिन सारे संस्कार जो भी हिंदू धर्म के निःशुल्क होंगे जी, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है जी, और न किसी से कुछ ले करके आने के लिए कहा जा रहा है जी, व्यवस्था सबकी बनाई जा रही है, जो हमारे कार्यकर्ता होंगे उनके भोजन आवास की व्यवस्था होगी, बाकी जो लोग आएंगे उनको प्रसाद मिलेगा और यज्ञ करने का फ्री में कोई शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। सबसे निवेदन भी है जी, वो कुछ अपने साथ ना लाए, केवल यज्ञ में समय से पता। जगदीशपुर के सभी क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? जगदीशपुर
के सभी क्षेत्रवासियों के लिए सुनहरा अवसर है जी। कि हम लोगों का ये सौभाग्य है जी कि अपने क्षेत्र में 108 कुंडी राष्ट्र जागरण यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में सबको आना चाहिए। सबका यज्ञ है, न कि केवल हम लोगों के द्वारा। हम लोगों को सारे क्षेत्र में प्रचार किया, घर घर जाकर के अच्छे कार्ड बांटे हैं और सबका सहयोग हमको अपेक्षित है। सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब लोग आए और हर तरह का सहयोग प्रदान करके इस यज्ञ को सफल बनाए। बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, जय सियाराम, क्षेत्रवासियों की जय, जय सियाराम, जय जय।